Hey guys, welcome to the YouTube channel, My Screen, My Idea. कैसे हैं आप सब? तो ममाज की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो पूछना चाहते थे कि चेहरे के ऊपर ऑयल लगाना चाहिए या नहीं चाहिए. जैसे कि समर आ गया है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप लोग इसके बारे में सोचते हैं कि चेहरे के ऊपर ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. कि ऑयल की फैक्ट्री तो पहले ही गर्मियों में हमारे चेहरे पे आने शुरू हो जाती है ना. ऑयल अपने आप ऑटोमेटिकली चेहरे पे इतना ज्यादा आ जाता है कि एक्ने, पिंपल्स, ये सब बहुत कुछ निकलना शुरू हो जाता है चेहरे पे. अभी अगर आप देखोगे मेरे फेस पे भी पिंपल्स निकल रहे हैं, लेकिन होम रेमेडी की वजह से ये बहुत जल्दी सूख गए हैं. सिर्फ विद इन 2 डेज के अंदर, 2 दिन में ये पिंपल्स एकदम से सूख गए हैं. एंड अब जब भी ये ठीक होंगे, 2 to 3 डेज में जब ये ठीक हो जाएंगे, तब आप मतलब मेरे वीडियोज में ही देखिएगा कि यहाँ पर कोई भी दाग नहीं रहेगा. विदाउट दाग, बिना किसी डार्क स्पॉट के ये खत्म हो जाएंगे. वेल गाइज, आज के वीडियो में आपको क्लियर करती हूँ कि चेहरे पे ऑयल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. गाइज, चेहरे के लिए जो ऑयल बने होते हैं वो डिफरेंट बने होते हैं, है ना. और बिल्कुल चेहरे पे ऑयल लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन, जितना ऑयल हमारी स्किन को चाहिए होता है उतना तो हमारी स्किन पे ऑब्वियसली रहना चाहिए. लेकिन जब हम बहुत तरह के केमिकल वाले फेस वॉश यूज करते हैं तो नेचुरल जो ऑयल हमारी स्किन पे जितना रहना चाहिए वो भी नहीं रहता. सारा भी सफा चट हो जाता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है ना. तो इस कैकी स्किन को दूर करने के लिए हमें फेस के ऊपर जो फेस ऑयल एक्चुअली में बने हैं उन्हें जरूर यूज करना चाहिए. और मैं कौन से फेस ऑयल इस्तेमाल में करती हूँ वो बताती हूँ. जब भी रात को मैं अपना CTM करती हूँ तो रात को सोने से पहले मैं अपनी स्किन के ऊपर फेस ऑयल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ. कौन सा फेस ऑयल सबसे बेस्ट होता है और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं इस ऑयल की बात करती हूँ. ये जावा का है, 24K. इसके अंदर गोल्ड के, यानी कि सोने के, गोल्ड के छोटे छोटे क्रिस्टल डाले हुए हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. यू नो के जो हमारे पुराने जमाने में महारानियाँ होती थी या दादी नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थी, तो उनके अंदर यही होता था. या फिर हमने TV में भी बहुत सारी पुरानी कहानियाँ सुनी हैं. तो जो राजे महाराजे होते थे तो चांदी या सोने के बर्तन में खाना खाते थे, है ना. और जितना भी वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो डेफिनेटली अगर देखा होगा तो जो रानियाँ या राजकुमारियाँ होती थी, बड़ी उनकी स्किन ग्लोइंग होती थी, स्किन बहुत चमक रही होती थी, है ना. तो अब यू नो के गोल्ड कितना महंगा हो गया है. वेल गाइज, तो इसके अंदर 24K के छोटे से क्रिस्टल डाले हुए हैं. गोल्ड के कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं जो आपकी स्किन को प्लम्पी करने में बहुत हेल्प करते हैं. स्किन के ऊपर जो पैच आ गए हैं, ड्राई पैचेस, उन्हें दूर करने में हेल्प करते हैं. स्किन को रेजुवनेट करने में हेल्प करते हैं. एंड स्किन के ऊपर जो समर में हमें चाहिए होता है कि एक अच्छा सा ग्लो स्किन पे हमेशा रहे, है ना, स्किन एकदम शाइनी सी रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है. और इसका जो मैं बता दूं कि ये स्किन केयर ऑयल जो है, स्किन के ऊपर जितने भी रैशेज हो जाते हैं या फिर अगर आपको स्किन के ऊपर थोड़ी इरिटेशन होती है कुछ भी अप्लाई करने के बाद, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट रहता है. ये कोई भी स्किन टोन पर्सन इसको यूज कर सकता है. ये नहीं है कि ऑयली स्किन वाला जो बंदा है, जिसके स्किन के ऊपर बहुत सारा भर भर के ऑयल आता है, तो वो इसको यूज नहीं कर सकता. बिल्कुल अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों, ये जावा का जो 24K रोज गोल्ड है, ये स्किन केयर ऑयल है. एंड इसके अलावा ये इसकी जो ये जो बॉटल है, ये 15 ml का है. 15 ml का प्रोडक्ट इसके अंदर आपको मिलेगा. एंड अगर मैं यूज़ करने की बात करूँ तो बहुत ही कम अमाउंट जो है वो यूज़ होती है इसकी, तो इसलिए ये लंबा चलता है. तो वेल, मैं बता देती हूँ आपको, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एक बच्चों को ड्रॉपर से मेडिसिन देते हैं, तो वैसा ही एक ड्रॉपर आपको इसके अंदर मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बूंदें ही यूज़ करनी है. 2 to 3 drops हम इसकी यूज करते हैं और स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करते हैं. सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है आपने 5 मिनट तक. 5 मिनट के बाद आप इसे लगाकर छोड़ दीजिएगा. ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें रोज डाला हुआ है. एंड क्रिस्टल होने की वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर गोल्ड इफेक्ट देता है. तो आप अगर इसको रात में लगाते हैं तो सबसे परफेक्ट है. अगर आप डे में, आपने बाहर नहीं जाना है, तो आप इसको डे में भी यूज कर सकते हैं. तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. अगर आपको ये इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बार में भी, कॉमेंट बार में भी. वहां पर क्लिक करके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑयल जो है दोस्तों, ये ST बोटानिका का है. जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब ये मेरे पास पहला प्रोडक्ट आया था. और ये बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों की बात है कि आई थिंक 2-3 साल पहले
जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब एसटी बोटानिका का मेरे पास एक बालों के लिए शैम्पू आया था, वो बालों के लिए शैम्पू बहुत अच्छा था। अब आपको पता है कि आप अगर किसी शोरूम में जाते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं तब आपको एसटी या बोटानिका या फिर बोटानिका के बहुत सारे प्रोडक्ट की आपको प्रमोशन मिल रही होगी, या फिर अलग से काउंटर बना होगा वहां पे इसकी प्रमोशन चल रही होगी, या फिर आपको सेल के लिए रखा होगा ये प्रोडक्ट, है ना। मतलब अब लोग बहुत यूज करने लग गए हैं इसको, तब उस टाइम पे इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था और मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। तो एसटी बोटानिका का मैं शैम्पू यूज करती हूँ जो बालों में ना एक रिच इफेक्ट देता है, बालों को प्रॉपरली क्लीन करता है। जब हम कोई शैम्पू यूज करते हैं, कोई भी ब्रांड का शैम्पू यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे शैम्पू यूज करने के बाद ना हमारे बाल एकदम बहुत सिल्की हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, है ना। और हमें लगता है कि इस शैम्पू ने हमारे बालों को बहुत बढ़िया बना दिया है, भाई बहुत कमाल बना दिया। वो सिर्फ केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत क्लीन होते हैं, है ना। और अगर मैं एसटी बोटानिका की बात करूं, इस शैम्पू जो है बोटानिका का जो शैम्पू है, जब आप इसको इस्तेमाल में करेंगे, इस्तेमाल यूज करने के बाद जब पूरे बाल आपके हेयर अच्छे से क्लीन हो जाएंगे ना, तब बाल बहुत रफ ही हो जाते हैं। आपको लगेगा कि शैम्पू ने आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं किए हैं, बाल बहुत रफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता। जैसे हमने रीठा या आंवला इस चीज का कोई एक ऐसा टोनर तैयार करते हैं या हेयर पैक तैयार करते हैं, उसके बाद आपने कभी देखा होगा कि उसके बाद यूज करने के बाद हमारे बाल बहुत रफी से हो जाते हैं। एक्चुअली में वो रफी नहीं होते हैं, उनमें केमिकल नहीं होता है, जिस वजह से वो अच्छे से आपके बालों को क्लीन करते हैं और वो बेस्ट होते हैं, हेल्दी हेयर होते हैं। तो ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आप कोई ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बाद आपके बाल बहुत सिल्की होंगे, तो वो बाल धीरे धीरे सिल्की होंगे जब आप उस चीज को बालों में यूज कर लोगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो शैम्पू यूज करने के बाद जब मेरे बाल अच्छे से हेयर क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद कॉम्ब वगैरह करती हूँ, बाल सूख जाते हैं, फिर मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से ये नेचुरल चीजें इफेक्ट देती हैं, एकदम से इंस्टेंट आपको नहीं रिजल्ट देती, धीरे धीरे देती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ता है। तो वैसा ही ये एसटी बोटानिका का फेस ऑयल है जो बहुत अच्छा होता है। स्किन के ऊपर जितने भी रैशेज होते हैं, रिंकल्स पड़ गए हैं, आपकी स्किन पे बहुत दाने पड़ गए हैं, इरिटेट हो गई है स्किन, सनबर्न हो गया है आपको, तो इसका यूज जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल लोचा इसके अंदर नहीं है। एंड ये फेस सीरम जो है 30 ml प्रोडक्ट मुझे इसके अंदर मिलता है। गाइज ये फेस सीरम इतना ज्यादा इफेक्टिव है और इतना ज्यादा हेल्दी है कि ये बच्चों पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अदरवाइज अगर आपका बच्चा हेल्दी है, कोई मेडिसिन वगैरह उसको नहीं चल रही है या कोई स्किन इशू नहीं है, तो आप बच्चों पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जब हम बच्चे पे कोई चीज यूज कर सकते हैं तो वो कितनी हेल्दी होती है, है ना। और केमिकल ना होने की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है हमारी स्किन के लिए, स्किन को प्लम्पी बनाने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, रेजुवनेट करने के लिए, स्किन को स्पॉटलेट बनाने के लिए ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। एंड गाइज अगर इसमें मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है, जैसे कि ऑर्गन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इसके अंदर है, कैरेट सीड ऑयल इसके अंदर है, जोजोवा है, रोसिप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इसके अंदर है। एंड ये वैसे भी मैं बहुत यूज करती हूँ, बहुत सारी रेमेडीज में आपने इसको देखा होगा, ये ऑयल्स को, एसेंशियल ऑयल्स को देखा होगा, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल बालों के लिए कितना अच्छा होता है, तो स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा होता है, वो भी इसके अंदर डाला हुआ है। मोरकोन ऑर्गन ऑयल भी इसके अंदर है जो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है। तो सभी कोल्ड प्रेस ऑयल इसके अंदर डाले हुए हैं, इसकी बूंदे 2 से 3 बूंदे आपने लेनी है, अपने हाथों पे अच्छे से अप्लाई करना है, पूरे स्किन पे, फिंगर्स पे, फेस पे अप्लाई कर लीजिए, पूरी रात इसको लगा के छोड़ दीजिए, आपकी स्किन को बहुत बढ़िया ब्राइट और बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही चमकीला सा बना देगा। तो इसको यूज कर सकते हैं आप, स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड गाइज अगेन इसके अंदर आपको एक ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर की हेल्प से जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए आप उतना यूज कर सकते हो, तो फालतू का प्रोडक्ट जो है नहीं वेस्ट होगा आपका, 2 to 3 drops आराम से आप इसकी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको भी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में आपको मैं लिंक दे दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। एंड गाइज इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपकी कोई क्वारी है तो नीचे कमेंट बार में मुझे जरूर लिखेगा, आप लोगों के साथ मैं वो जरूर शेयर करूंगी। मिलूंगी नए वीडियो में गाइज, जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हेल्पफुल हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।